थैंक यू सर। और एज यू कैन सी इट्स अ फन फिल्म, फन फैमिली फिल्म। एंड और आज क्यों ये प्रमोशन हो रहा है, बिकॉज ट्रेलर के वक्त भी हम लोग नहीं आए, पहले गाने के वक्त में भी नहीं आए, अब से लाइक और इट वॉज हाई टाइम दैट यू नो हम लोग सब सामने आते बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट वी आर वेरी प्राउड ऑफ। आई मस्ट टेल यू व्हाइल कंगी इज गोइंग ऑन, वी हैड ग्रेट टाइम शूटिंग दिस फिल्म। और ये जो क्या बोल सकते हैं, मेरे दो अनमोल रतन रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ, प्लीज आइए, बहुत हो गया कंगी है। Good afternoon, everyone. Thank you so much for being here today. मैंने दादा को बहुत prepare किया कि you know ये हमारा पहला press conference है. We worked on this film for 3 years. It's been like a dream project for both of us. But उन्होंने hug दिया, कुछ बोला ही नहीं. I thought ये कुछ अच्छा कहेंगे film के बारे में. बहुत सारे चीज़ें लिखे हुए गए हैं इस film के बारे में, you know जो delay हुआ है, इतना time लगा है. But it just reminds me कि जो 3 साल पहले या 3.5 साल पहले जब दादा मेरे पास आए थे और उन्होंने ये आइडिया सुनाया था जगह जासूस का, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा था. एंड यू नो वी डिसाइडेड कि यू नो हम ये खुद प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज वी वुड लाइक टू मेक दिस फिल्म द वे वी वॉन्ट टू मेक इट. किसी को पता नहीं था इतना टाइम लगेगा और पता नहीं किसकी गलती है, किसी की गलती नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता कि दादा की गलती है, प्रीतम दादा की गलती है या मेरी गलती है. आई थिंक ये सबकी गलती है क्योंकि जब दादा फिल्म बना रहे थे, दादा तो घुस गए थे इस फिल्म में, 3 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, बट हमने दूसरे फिल्में की हैं, दूसरे रोल्स निभाए. आई थिंक ही इज़ द ओनली वन हु इज़ रियली स्टूड बाय दिस फिल्म. सो आई रियली होप यू नो फॉर हिम एंड फॉर हिज अमेजिंग हार्ट दैट यू नो यू गाइस गिव दिस फिल्म अ चांस एंड एंजॉय दिस फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन. रणबीर आपके राइट, रितेश ई टी वी से, दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है. जब हम बर्फी पे काम कर रहे थे, और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फी रिलीज हो गई चल गई तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फी में क्या हो रहा था. जब मैंने फिल्म 1 हफ्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह ये क्या फिल्म बना दिया दादा ने यार. तो आई थिंक जो इनका प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये सिर्फ मैं समझता हूँ, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू वर्क विद एनी अदर एक्टर. मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट हिम टू वर्क विद एनी एक्टर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ दी फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री. आई थिंक हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा, हिज नॉलेज अबाउट एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, अबाउट इंगेजिंग एन ऑडियंस, अबाउट म्यूजिक, अबाउट कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेज, बहुत मतलब इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल. सो आई रियली होप कि यू नो मी एंड दादा कैन मेक अ लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर. जब हमने जगह जासूस प्लान की थी, हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था, बट जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, जिस तरीके से ये फिल्म बन रही है, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे. तो बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये टू मी ही इज अ रियल दादा. यू नो दादा का जो हक होता है ना, ये इंसान है, ये दादा है. जब भी हम लोग सेट पे आते थे, हमेशा यू वुड सी रवि सर विद अ बिग स्माइल एंड दिस फिल्म हैज बीन अ व्हाइल इन द मेकिंग, सो समटाइम्स यू वुड कम ऑन द सेट अ लिटिल you know tired or not in the best of moods. There was infectious positivity, always one person who is smiling behind the camera. और ये जो टाइम का भी मैं बता दूँ, ये क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे अटकलें, मैं आपको बता दूँ प्रोसेस क्या है इस फिल्म में ना. टाइम तो इतना ही लगता है फिल्म में, 4 साल लगता है. आप स्क्रिप्ट लिखते हैं 2-3 साल, फिर फिल्म बनाते हैं 6-7 महीने में. लेकिन हमने क्या किया, फिल्म तुरंत शुरू कर दिया बर्फी के बाद, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म ऐसी ही बन पाता, क्योंकि अगर आप म्यूजिकल कर रहे हैं तो आइदर आप साउंड ट्रैक तैयार करें पूरी पिक्चर का 2 साल बैठ के, फिर उस साउंड ट्रैक पर शूट करें. हमें पता था हमने गलत गली में हम लोग जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेंज गली में, विच इज़ ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू यू नो टू मेक एवरीथिंग रेडी. एंड तो हम चंक्स में करते गए उसको. सो दिस इज द प्रोसेस, आइदर हम पूरा साउंड ट्रैक रेडी करते तो हम चंक्स में पैर टुकड़ा. तो हमें सबको पता था कि ऐसा होने वाला है, इनकी 3 फिल्में होंगी, बीच बीच में ये फिल्में होंगी, मेरा भी दूसरा काम होगा. तो ये दिस वॉज ऑल डन. इट्स नॉट दैट यू नो वी आर शॉक्ड एंड अरे वो शिट इतना टाइम लग गया, लेकिन ये फिल्म ऐसे ही तैयार होती क्योंकि इतने सारे म्यूजिकल, इतने सारे गाने हैं, आप पूरा तैयार करके करते तो भी इतना साल लगता. आप देखिए गाने यार मैं गिनती भूल चुका हूँ, 20 के ऊपर ही है.